मुनशी, सीनियर IVF स्पेशलिस्ट फ्रॉम क्राइम IVF। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो IVF के इंजेक्शंस हैं आप घर पे कैसे लगा सकते हो, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको जैसा बताया कि आप जब पीरियड के सेकंड डे हमारे सेंटर में आते हैं तो हम आपका वर्कअप करते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं और आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको इंजेक्शंस देते हैं। आजकल जो भी गोनेडोट्रोपिन्स हैं या जो भी एंटागोनिस्ट आ रहे हैं वो सब प्रीफिल सीरीज में आ रहे हैं, मतलब पहले से उसमें दवाई भरी हुई होती है। बस आपका एक पेपर आपको गायनोकोलॉजिस्ट देगा, उसमें लिखा होगा कि आपको 150 गोनेडोट्रोपिन्स लगाना है या 225 लगाना है। तो इसमें दो तरह के आते हैं, एक तो प्रीफिल सीरीज आपको मिलेगी, उसको आप सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं। एक पेन भी आता है, उसमें पेन में आपको डोज डिसाइड करनी पड़ती है, डोज को निर्धारित मात्रा में डोज को डिसाइड करके इसके बाद उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है उसका। ये सब इंजेक्शन जो हैं मैं अपने सेंटर में देती हूँ, वो आपको सबक्यूटेनियस यानी कि जो स्किन है उससे थोड़ा सा डीप जाके लगाने हैं। हम आपको 3 से 4 दिन के इंजेक्शन घर के लिए दे देते हैं और इसके बाद आप 4th या 5th दिन आते हैं, उसके बाद फिर आप अल्ट्रासाउंड करते हैं और इसके बाद आपको इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। आपको प्रॉपरली सिखाया जाता है कि इंजेक्शन आपको कैसे लगाने हैं, तो इसी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगी जो आपको इंजेक्शंस कैसे आपको लगाने हैं। सबसे पहले जैसे आपके इंजेक्शंस होते हैं, इनमें ये आपका इंजेक्शन है, डोज पहले से प्रीफिल होती है। जहाँ पे भी जो अम्लाइकस पार्ट है आपका, अम्लाइकस मतलब जो आपके ये ना पेट के ऊपर अम्लाइकस होती है, उससे 2 से 3 फिंगर लेफ्ट या 2 से 3 फिंगर राइट में लगा सकते हैं। अब जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाना है उसको आपको एक स्वाप दिया जाता है, उससे आपको उसको क्लीन करना होता है। इसमें ये आपका अल्कोहल, ये अल्कोहल का स्वाप होता है। तो जो भी एरिया, जैसे मैंने अम्लाइकस के 2 फिंगर छोड़ के या 3 फिंगर छोड़ के आपके राइट या लेफ्ट में जहाँ पे भी आप लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये इसको इस तरह से क्लीन कर लें। उस एरिया को जब आप पूरी तरह से क्लीन कर लेते हैं तो इसके बाद आप उसको आपका अब आप अपना इंजेक्शन लगा सकते हैं। जिस भी एरिया में आपको करना है आपने सबसे पहले उसको क्लीन किया, इसके बाद आपके जो इंजेक्शन होते हैं वो उसमें डोज पहले से भरी होती है। कई बार आपकी मार्किंग होती है, उन मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको आपके गायनोकोलॉजिस्ट ने बताया होता है कि आपको कितनी डोज लगानी है। तो आपको जो है ये सिरिंज देखो इतनी छोटी होती है, इसको 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब जो आपका साइज है उससे एकदम परपेंडिकुलर रख के लगानी है। ये मैं आपको हाथ में बता रही हूँ, हाथ में नहीं, आपको जो पेट पे जो फैट होता है, जो आपके अम्लाइकस होता है, उससे 3 फिंगर्स आपको एकदम परपेंडिकुलर करके लगाना होता है और इसको पूरा अंदर डालें जितना आपको दिख रहा है। और आपको आगे से टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पीछे आपका ये होता है और इसके बाद आपको इसको प्लंजर को पूरा दबा देना है। तो आपकी जो भी इसमें डोज होती है, जो आपके डॉक्टर ने डिसाइड की होती है, वो सीधा आपके सबक्यूटेनियस पेट पे लग जाती है। इसी तरह से आपको डेली एक ही टाइम जो डॉक्टर ने बताया है उसमें आपको इंजेक्शन लगाना है। इंजेक्शन की एक भी ड्रॉप बाहर नहीं जानी चाहिए, पूरी की पूरा इंजेक्शन आपके सबक्यूटेनियस अंदर जाना चाहिए। उसके बाद आप इंजेक्शन आराम से निकाल सकते हैं और उसको या तो आप लेके आ जाएं और उसके बाद उसको डॉक्टर के यहाँ वापस दे दें ताकि वो अच्छी तरह से इनको डिस्पोज कर सके। इनमें डोज जो होती है, इसी तरह से जो एंटागोनिस्ट है वो आपको लगाने हैं, वो आपको day 4 या day 5 पे दिए जाते हैं, वो भी पहले से भरे हुए हो जाते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जैसे कि इंसुलिन का इंजेक्शन कई बार आप लोग घर पे लगाते हैं जैसे कि डॉक्टर ने बताया होता है, सेम वैसा ही मेथड है। इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आराम से अपने जो भी गायनोकोलॉजिस्ट है या जो भी नर्स आपको सिखाती है उससे ढंग से सीखें और अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेट करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका पूरा उसका इफ़ेक्ट आएगा इंजेक्शन का। आपको इंजेक्शन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।